मेरे नबी को नबूवत सलाम करती है। एक मतला एक शेर और पहुंचाता हूं आप तक, बिलखसूस पहुंचाता हूं बतौर खास पेश करता हूं। एक मरतबा जरा सा पूरा मजमा मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। ये जो चौकीदार हजरत खड़े हैं आप सब भी बोल सकते हैं अगर आपके पास जबान है। आप सब खामोश ना जरा सा, ये जो खड़े हैं चौकीदार भाई मेरे आप सब बोले सुभान अल्लाह। हाथ बांध कर आप खड़े हैं बड़े भाई, आपसे कह रहा हूँ जैकेट पहन कर खड़े हैं माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। पेश करता हूँ बतौर खास पढ़ता हूँ समाज फरमाए जी, हाजिर करता हूँ जनाब तौकीर भाई साहब माशाल्लाह और शहीद खान बीडीसी, इन तमाम की दुआओं का मैं तलबगार हूँ। पेश करता हूँ यहाँ से एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास पढ़ता हूँ, सुने सुने सुने। सुकून चैन राहत और इज्जत पा नहीं सकते, आए हाय बोल देना सुभान अल्लाह। आप बोले मचल कर सुभान अल्लाह। सुकून चैन राहत और इज्जत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते। मौलाना इखलाक साहब आपके हवाले से बतौर खास पेश करता हूँ, सुने। सुकून चैन राहत और इज्जत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते। उठाओगे अगर तुम उंगलियां, सुन लो सहाबा पर, अगले मिसरे में आप सब जुड़िएगा। उठाओगे अगर तुम उंगलियां, सुन लो सहाबा पर, सुन लो सहाबा पर, जहन्नम ही लगेगी हाथ जन्नत पा नहीं सकते। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है असाद आजमी। जहन्नम ही लगेगी हाथ जन्नत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते, सहाबा के बिना आका की निस्बत पा नहीं सकते। क्या बात है। यहाँ से मैं मुकम्मल नाते पाक का मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता एक नज्म तक पहुँचना चाह रहा हूँ। दो तीन फरमाइशें हैं, शमशेर है तो वो फरमाइश मुमकिन है। हाजिर करता हूँ, अच्छा करता हूँ बतौर खास आखिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए फरमाए के अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा। अरे पूरा मजमा बोल दे यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सब चेयरमैन हजरात हैं, कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। कुर्सियां पाने से पहले बहुत बोलते हैं बहुत बोलते हैं बहुत बोलते हैं, लेकिन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मुसलमान खामोश नहीं होता, वो अगर वादा करता है तो वादा खिलाफी कभी नहीं करता। मुसलमान वादे को पूरा करना भी जानता है। आप सबने बुलाया है अपनी मोहब्बतों से, तो मोहब्बतों से इस मुशायरे को मुशायरा बनाएं और मचल कर बोले एक बार सुभान अल्लाह के अजर वो बेहिसाब पाएगा, मरता बापला जवाब पाएगा, मरता बापला जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से मांगो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम कुल हिंद ने आतिया मुशायरा, सरजमीन ने दोहरारा जनाबे असद आजमी। वाह बहुत शुक्रिया, अजमत वाली गए। बतौर खास पढ़ता हूँ, माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अहले स्टेज भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, चंद लोग सिर्फ जुड़े हैं और थोड़े से लोग नहीं जुड़े हैं। बहरहाल कुछ लोगों के जहन में क्या है क्या नहीं है
मुझे यकीन है अल्ताफ भाई माशाल्लाह जुड़े हैं, वसीम भाई जुड़े हैं, अशफाक भाई जुड़े हैं, उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब भी अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं, जितने भी शोरा इकराम बैठे हैं सब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। ये वाला मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है, आप सब भी थोड़ा सा जुड़ जाए तो ये मुशायरा बहुत जी जी बिल्कुल हाजिर करता हूँ। बड़े असद भाई आप एहसास कमतरी के शिकार न हो, यहाँ के लोग आज तक मोहब्बत ही से नवाजे, नफरत से किसी को नहीं। आप पढ़े जम एक मरतबा इस्तकबाल करें सुभान अल्लाह कह के असद भाई का। हाँ माशाल्लाह सज्जाद आजम भाई ने एक बात कही कि धौरहरा में उलमाए किराम ऐसे ही सुनते हैं, सहारनपुर की वीडियो उठाकर देख लो उलमाए किराम कैसे सुनते हैं। माशाल्लाह ये सब वहीं के पढ़े हुए हैं और माशाल्लाह सबके अंदर दीन है, सबके अंदर माँ की मोहब्बत है, सबके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पेश करता हूँ फिर यहाँ से मतलब बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुने के अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्दाना जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से मांगो एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, मुशफिको मुखलिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मार दिया। जिंदाबाद, हजार साल जियो, मेरे बस में नहीं तो कयामत तक कह देता। पूरा मचल कर बोल रहे सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह क्या शेर पढ़ दिया भाई असद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, सगीर भाई माशाल्लाह कर्नेलगंज से इस मुशायरे के लिए खास आप सबकी मोहब्बतें लेने आए हैं, कर्नेलगंज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। आप सबने जिंदा दिली से तरीके से मुशायरे को सुना है, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। धौरहरा और जिला लखीमपुर जिला सीतापुर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। 20 सालों से मैं जानता हूँ सीतापुर को, जब से मेरी यहाँ चमेली वीडियो चलती है। बात है असद भाई का शुक्र है, आप सबने इतनी मोहब्बत दी है। असद भाई 20 साल से जब इन जिलों को आप जानते हैं तो आपके उम्र का अंदाजा मैं नहीं लगा पाया अब तक। जी जी मिल जाएगा आपको, जरूर पता मिल जाएगा। पेश करता हूँ अखलाक भाई से, आप दोस्ती बरकरार रखे, आपको हर चीजें पता चलेंगी। हाजिर करता हूँ बतौर खास पहुँचाता हूँ समाज फरमाएं के मुशफिको मुखलिसो लिख दिया, क्या सलीके से लिखा है भाई, लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। जब माँ के नाम का शेर आ ही गया है तो एक शेर ऐसा भी है कि जो नौजवानों के दिलों तक ये शेर पहुँचे, तो आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजिएगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात, ये पूरा मोहल्ला मुझे नौजवान नजर आ रहा है माशाल्लाह। आप सबको मैं शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ यहाँ से एक मतला एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक तक पहुँचता हूँ। मुजाहिद भाई पेश करता हूँ, आप
आपके हवाले से माशाल्लाह मिश्रा जी मिश्रा जी आपके हवाले से भी पढ़ूंगा क्योंकि शेर व शायरी से आपकी अच्छी खासी वाकफियत है। आप शायरों को दाद देना भी जानते हैं और दाद लेना भी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये शेर मैं आपके हवाले से पहुंचाता हूँ, बात सच्ची लगे तो पूरा स्टेज मेरा साथ देगा। पेश करता हूँ यहाँ से, सुने सुने के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर, अल्लाह अल्लाह दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं। अगले मिसरे में बात सच्ची लगे तो सुनो आप सब, लड़कियां बेवफा होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। ये है असद आजमी, नारे तकबीर नारे तकबीर, कुल हिंद नातिया मुशायरा असद आजमी। आए हाय हाय, फिर पढ़ो इस शेर को यार, जहमत होगी। क्या सलीके से कह दिया भाई, वाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस मैं इसी धौरहरा को बहुत देर से तलाश कर रहा था, बहुत अच्छा वही धौरहरा। एक मर्तबा सारे लोग नीचे भी देखे, असद भाई आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा और अच्छा शेर पढ़ा, क्या मफाहिम क्या मतालिब को आपने इसमें पिरोया है, लेकिन ये ख्याल रहे कि तीन तीन मीडिया आपके नजरों के सामने है, ये खबर मेरे भाभी जान तक भी पहुंचेगी जी। अता कर अता कर जी, बहुत शुक्रिया। अता करे फिर जी, पढ़ता हूँ बतौर खास पेश करता हूँ। अरे ये वाला मोहल्ला भी थोड़ा सा कुछ बोल दो यार। अरे पूरा बोल रहे भाई, आप सब जान हो इस पूरे इलाके की, अल्लाह का। ये देखे सज्जाद साहब का भाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह वाले साहब नवाज रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब भी जो सज्जाद आजम के छोटे भाई हैं, माशाल्लाह ये भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मिश्रा जी ने भी अपनी दुआओं से नवाजा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद एक और शेर माँ के हवाले से पढ़ूंगा। मैं समझता हूँ कि माँ से अच्छी दुनिया में कोई नेमत नहीं होती। पेश करता हूँ, आप सब बखूबी जुड़े हैं, हाजिर करता हूँ, सुने के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ के मगर, दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं। क्या तजुर्बे, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। असद साहब एक शेर मचल गया कि मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मचल कर बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह मुजाहिद भाई, मेरी तरफ से आपको शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ा। एक मर्तबा मैं फिर आप सबके हवाले चार मिसरे और करता हूँ, नौजवानों के हवाले, उसके बाद मुकम्मल नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। चार चार मिसरे पढ़ने का मैं आदी हूँ, इसलिए मैं आप सबको वही चार चार मिसरे सुनाना चाहता हूँ। आप सब जितनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जिस पर आप दुआओं से नवाजते हैं, मैं उन्हीं दुआओं की ख्वाहिश रखता हूँ। पेश करता सुने हाजिर करता हूँ बतौर खास, पेश करता हूँ समाज पर। मैं खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, अल्लाह अल्लाह आए हैं। सुनो दोस्तों सुने और सुनना, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी में मैंने ये मिसरे नहीं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन आपको अगर पसंद आए तो आखिरी के मिसरे में आप ध्यान दीजिएगा। पेश करता हूँ सुने, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया,
खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब उस्ताद मोहतरम हैं, तमाम शोरा इकराम के माशाल्लाह ये उस्ताद हैं और बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बहुत छोटी उम्र से जानते हैं डॉक्टर साहब को, इनके कई रिसाले शाये हुए पूरे हिंदुस्तान में। पेश करता हूँ डॉक्टर साहब, आपके हवाले से पहुँचाता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ समाज। फरमाए के खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियों पाउडर तू लाया बीवी के, सुनना अगर बात सच्ची लगे बात है, सिर्फ आप सबको झिझोड़ रहा हूँ कि माँ की कद्र करो, कद्र करो, बात सच्ची लगे तो जुड़ना है। एक शख्स को शरीक करता हूँ, क्रीम लालियों पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियों पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह अल्लाह ताला हम शायरों को अपनी वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए, वाह और इसको हकीकत का रूप दे दे, अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूँ बतौर खास जेरे सरपरस्त हाफिज मोहम्मद अकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे लोगों ने मिलकर इस जलसे को, इस नातिया मुशायरे को, इस मुशायरे को सजाया है। मैं किस किस का नाम लूं, जिसका नाम लूं किसी का छूट जाता है। सबसे माजरत, सब अपने आप में अलग अलग चांद है, सब माशाल्लाह रोशन है इस वक्त स्टेज पर और सब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। पेश करता हूँ यहाँ से बतौर खास चार मिसरे और पहुँचाता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुने ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल, सभी आंचल से अच्छा है, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा। हर काजल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल, अगर एक ताट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू। अब सारे उलमा इकराम को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ। सुने अगर एक ताट पर जो नमाज़ें पढ़ रही है तो, नमाज़ें पढ़ रही है तो, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है, वाह अल्लाह की वो टाट, वाह 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 से अच्छा। आपका पसंदीदा शेर है, असद भाई, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी माँ ने टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी माँ ने टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और नेताओं से माजरत और ये शेर कि यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कश पे, मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता।